हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ऑफ कोर्स अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ, थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है। और आज मेरे घर पे मेरी नंद, मेरी सासू माँ और मेरे नंदोई आए हुए हैं। मेरी नंद को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो वो दवाई लेने के लिए बरेली आए हुए हैं। और मैंने उड़ चने की दाल बनाई है आज, क्योंकि उन लोगों ने पूड़ी के लिए मना कर दिया। और मेरी नंद थोड़ी उदास भी है, क्योंकि उनकी तबीयत मैं बता चुकी हूँ ख़राब है। और यहाँ मैंने आटा माड़ के रख लिया है, ये थोड़ा आटा ऐसा ही पीसा है, ख़राब कर दिया था चक्की वाले ने, पता नहीं इसमें क्या मिलावट कर दी है। और मैं अब अपना थोड़ा काम करूँगी, मेरी सासू माँ आप थोड़ी सी रोटियाँ सेकेंगी। फूफा आ गए, फूफा कार्टून ही बना रहा हूँ। ये मेरे फूफा और एक ही बनाया में बैठे हैं दादी के। ओ बताओ दादी आई और रोटी बनवाना शुरू। देखो रोटी बनवानी कितना काम करवाती है, काम करती है मेरी दादी। फूफा जी वही है जिनको मैंने रंगा था, जिसने वीडियो देखी होगी उसे पता है कि मैंने कितना रंगा था। ए लिख के भेजा था अवनीश नाम से, यहाँ पर इसलिए मेल्ट नहीं हुई। गाइस पहले से मेल्ट नहीं हुई, बुआ इंतजार कर रही है, बुआ मम्मी सालोपी दादी साइकिल की टेंशन, दादी जी आप बैठे हैं और मैं ब्लॉग पर ब्लॉगिंग कर रही हूँ। बहुत ठंडी है, मम्मी के हाथ में लग रही है गाइस। कोई जरूरत नहीं, मैं निकाल लेती हूँ। ठंडी है गाइस, रोटी है बहुत ठंडी है। रात का खाना सबका हो गया था, तो उसके बाद हम लोग सब ने आइसक्रीम खाई थी। और मैंने बताया ना मेरी ननद की तबीयत ख़राब है, देखिए उनका फेस उतरा हुआ है। और कल सुबह वो चली जाएंगी, शायद मम्मी भी चली जाएंगी इनके साथ, और मुझे भी थोड़ी दवाई लेने जानी है कल। ऐसा कौन रोता है? अरे आ जाएंगी, आ जाएंगी। अरे ऐसा ना बोलती हे भगवान, तब यहाँ से लाए मरना हो तो आ जाऊंगी। बुआ बीमार है, फोन से बात कर लो करूंगी। आ जाएंगी ना, मत रो। अरे भगवान, कुछ मैं डांटी हो मती है ना, ना डांटेंगे, डांटी हो मती। वो टेम्पू वाला बुला रहा है, रो मती, आ जा। मैं आ जाऊंगी बुआ, ठीक है जाएगी, सोई आ जा। चलो बैग तो ले लो, सॉक्स भी तुमने ना उतारे, चलो पैर तो छुपा लो, तू भागी जा रही कन्नो बात कन्नो रो रही है। देखो कहा जाएंगी अम्मा, जे है तो अम्मा, जे अम्मा है जो तो अम्मा है, लो इन अम्मा ने झड़ दो। छोटे पे कहती थी अम्मा। मेरी ननद बाइक से गई, सासू माँ ऑटो से गई और मैं आ गई हूँ यहाँ दवाई लेने। मैंने बताया था ना मैं अपनी दवाई लेने जाऊंगी कल, और मैं यहाँ आई हूँ राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, और मेरे साथ मेरी दी हैं। और ये देखिए ये बहुत पुराना हॉस्पिटल बना हुआ है अंग्रेजों के जमाने का, काला काड़ा। ये मैडम पी रही है। अब मेरी बारी है, ऑटो से जा रहे हैं घर। यहाँ एक ऑटो में परफ्यूम वाला बैठ गया, आप लोगों को पता है मुझे परफ्यूम से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। घर आ गए हैं, खिचड़ी बना के रख गई थी मैं, खाऊंगी अब। और कनिष्का मस्ती कर रही है। चाय पीने का मन कर रहा है मेरा, तो मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि मेरे थोड़े से सर में दर्द हो रहा था इसलिए मैं चाय बना रही थी। और कनिष्का अब ठीक हो चुकी है, सुबह उनकी दादी गई थी इसलिए रो रही थी बहुत ज्यादा। वैसे इसमें है क्या क्या? इसमें पानी पड़ा है, पानी के साथ कॉफी पाउडर है और कोलगेट है, इसमें चीनी है, चाय पत्ती है, हनी है। इन सबको मिक्स करके आपको बनता है ये इन लोगों ने कारनामे किए हैं, हैंड साफ कर रहे हैं, कन्नों ने किए। और अगर कन्नों का ही नाम अगर गाइस अगर नहीं हुआ मुंह पे कहना। थोड़ी सी इसमें मिर्चा भी डाल लेती, थोड़ी सी थोड़ी नमक डाल लेती, रिफाइंड थोड़ी सी डाल लेती, ताकि ये बढ़िया सा एक खाने वाली चटनी बन जाती। गाइस देखो मम्मा को लग रहा है बुरा, क्योंकि हमने उनकी चीजें छुई। ऑल्सो नोन हैज दिस इज नोन
तू मम्मी इज नोन क्या था मम्मी इज नोन हैज दी नोन नोन हैज दी नोन और ये सड़ा सा इन्होंने जो बना रखा है सच्ची इसमें बदबू आ रही है। रात का खाना बन चुका है, भिंडी की सब्जी बनाई है मैंने और मैं यहाँ पर अपने कानू को लगा रही हूँ भोग और उसके बाद मैं कानू को भोग लगाने के बाद इनको खिलाऊंगी खाना और हम लोग खाना नहीं खाएंगे हम कन्नौर राज क्योंकि हम तीनों जा रहे हैं आज एक पार्टी में, वहाँ पर आज एनिवर्सरी है और उसकी पार्टी है तो हम लोग वहाँ जाएंगे इसलिए हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं। मैं रेडी होने लगी हूँ पार्टी में जाने के लिए, कुछ करा नहीं मैंने, सिर्फ सूट पहना है आज, मैं साड़ी पहन के नहीं जाऊँगी, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा तो मैंने सूट पहन रखा है, लिपस्टिक लगा लूँगी और अपने बालों में चोटी बना लूँगी, उसके बाद चले जाऊँगी दीदी ऊपर वाली जो हमारे पड़ोस में रहती हैं वो भी जाएंगी हमारे साथ, कन्नो और मैं राज जाएंगे। हम लोग जा रहे हैं एनिवर्सरी में और यहाँ पर मम्मा भी डैडी हैं, मैं भी डैडी हूँ, चलने वाले हैं आपको ब्लॉग जरूर दिखाएंगे वीडियो है। चलिए आप वहीं पर मिलते हैं। यह है वो क्यूट कपल जिसकी आज एनिवर्सरी है, इन दोनों की एनिवर्सरी पर हम आए और हम लोगों ने इन्हें विश किया और इनकी जोड़ी ऐसी ही बनी रहे सही सलामत। अब हम यहाँ से चले जाएंगे घर के लिए, खाना खा चुके हैं हम लोग दावत खा के आ चुके हैं। ये देखो आज ज़्यादा लोग नहीं थे, हम कन्नो थी, मैं थी और ये दीदी और वो थी जानवी थी और राज ने भी दावत खा के पहले निकल चुका है वो। बाय करो, बाय कर रही है वो। हम लोगों का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। गुड नाइट, बाय बाय।